आपका बैंक आपके द्वार लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में की भारतीय डाक भुगतान बैंक की शुरुआत। दिसंबर तक 1,55,000 डाकघरों के जरिए घर घर तक पहुंचेगी बैंकिंग सेवा। 3,250 डाकघरों में एक्सेस पॉइंट का भी शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने बैंकों के फंसे कर्ज के लिए यूपीए सरकार को बताया जिम्मेदार। कहा, पिछली सरकार के दौरान बैंकों ने लुटाया बेतहाशा कर्ज। 6 साल में दिया गया 52 लाख करोड़ रुपए का लोन। डिफॉल्टरों से हर पैसे को वसूलने का दिया भरोसा। इस साल 31 अगस्त तक 71% से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल। करीब 5.5 करोड़ भरे गए रिटर्न। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 93,960 करोड़ रुपए। साउथहैम्पटन टेस्ट में मजबूत स्थिति में टीम इंडिया। दूसरी पारी में इंग्लैंड के 107 रन पर गिराए 4 विकेट। इंग्लैंड की पहली पारी में 246 रन के मुकाबले भारत ने पहली पारी में बनाए 273 रन। और भारत को आज 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज समेत मिले 4 मेडल। मुक्केबाजी में अमित पंघल और ब्रिज में प्रणव शिवनाथ की जोड़ी ने जीता गोल्ड। स्क्वैश में सिल्वर और हॉकी फाइनल में पाकिस्तान को हराकर मिला ब्रॉन्ज मेडल। 15 गोल समेत 69 पदकों के साथ एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन।